मौसम में लिट्टी चोखा का एक अलग ही रुझान होता है हिंदी भाषियों में। गांव में एक झुंड में बैठकर आंख तापना तथा उसी दौरान लिट्टी बनाने का मजा ही अलग है। इंटरनेशनल लिट्टी चोखा जे खैलस ना पैलस धोखा। उसी तरह इस बढ़ते ठंड के बीच गोपाल राउत के काफी करीबी माने जाने वाले मजदूर नेता रियाजुद्दीन मुन्ना ने भी नए साल पर मकर संक्रांति से पहले अपने साथियों के साथ मिलकर किया लिट्टी चोखा कार्यक्रम का आयोजन। इंटरनेशनल लिट्टी चोखा जे खैलस ना पैलस धोखा। मूलतः भाटपाड़ा के वार्ड नंबर 8 में सक्रिय यहां के मुन्ना भाई कहलाते हैं, यानी लोगों के सुख दुख या समस्या में उनके साथ हमेशा रहते हैं रियाजुद्दीन। देखिए भाटपाड़ा से हमारा ये खास कवरेज। और इस वक्त आपके साथ मैं राजीव, और इस वक्त हम मौजूद है भाटपाड़ा के रिलायंस जूट मिल, और जूट मिल के ठीक सामने विपरीत साइड की किसी भी समय आप देख पा रहे हैं तृणमूल ट्रेड यूनियन का जो कार्यालय, उस कार्यालय के सामने हम मौजूद है। और इस खबर की शुरुआत में हम आपसे आवेदन करना चाहेंगे, हमेशा की तरह इस बार भी, कि कोरोना का तीसरा लहर अब आपके और हमारे दरवाजे तक दस्तक दे चुका है। अतः हर कोई कोशिश करें इस कोरोना से बचने के जो विधि, जो नियम बनाए गए हैं, उन सारे नियमों का संपूर्ण रूप से पालन किया जा सके। लेकिन इस वक्त हम आपको दिखाना चाहेंगे एक राजनीतिक कार्यक्रम ही कह सकते हैं आप, और इसी कार्यक्रम के तहत अपने कुछ साथियों को लेकर हमारे साथ मौजूद है रियाजुद्दीन मुन्ना। आइए हम उनसे बात करेंगे, श्रमिक नेता क्या कहना चाहते हैं। मुन्ना भाई, क्या आपको कहा, क्या आज आपका कार्यक्रम था? काफी जगह का कार्यक्रम था, काफी सभी लोग, हम लोग काफी लोगों को मीडिया को हम इन्वाइट किए थे, मगर हम लोग जो इतने फ्रेंड सर्किल में जो खुशी थी, हम लोग प्रोग्राम को चलाए, बताया जितना भी सामान था, हर घर जिनको निमंत्रण दिए थे, उनके परिजन हम लोग कि बहुत बड़ा कार्यक्रम था। इसका मतलब आज हम लोग 500 का टारगेट रखे थे, मगर ये कोरोना के ममता बनर्जी जी, हम लोग सैनिक को उनके आदेश को पालन करते हुए हम लोग सबको पोस्टपोन कर दिए। 16 दिन हम लोग चौखा पहुँचा देंगे। हमारे जो साथी है, हम लोग सोशल डिस्टेंस बना के इस प्रोग्राम को शुरुआत। लिट्टी चोखा क्यों आपने चुना? ये तो बंगाल का संस्कृति नहीं है, ना ही बंगालियों का संस्कृति है। लिट्टी चोखा क्यों चुना? आज के दिन लिट्टी चोखा ये इसके मौके में आप तो ये कार्यक्रम क्यों करते हैं आप लोग? इस तरीके से खर्चा करना आपका छोटा, आप लोगों का क्या उद्देश्य होता है? क्योंकि हम लोग खर्चा करने के संगठन बनाने के लिए, क्योंकि अगला बार भी जो हुआ था हम लोग अंदर क्या तनाव हुआ था, इस बार भी काम करने और संगठन में मदद। क्या लगता है आपको कि पिछली बार जो कोरोना दो स्टेट में देख चुके हैं, और दोनों बार में कहीं ना कहीं बहुत लोगों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, उस वक्त आप लोग जिस तरीके से लोगों के साथ खड़े हुए थे, तीसरा लहर काफ़ी तेजी से, यानी कि मान लीजिए कि अगर एक सप्ताह के भीतर देखा जाए तो रोज का प्रति दर का आंकड़ा आज लगभग कर चुका है पश्चिम बंगाल में, तो फिर आप लोग क्या तैयार है इसके लिए? बहुत कुछ समस्याएं पड़ेंगी इस बार। बिल्कुल हम लोग तैयार हैं, क्योंकि जीएम में इस तरीके से काम कर रहे हैं, गली पूजा हर जगह साफ सफाई और सैनिटाइजर का व्यवस्था है, मास्क का व्यवस्था है। अभी फिलहाल दो दिन से हमारे जीएम में बाजार घूमे लॉन्च कर दिए कि भाई दो दिन लॉकडाउन का पालन कीजिए, अगर गैदरिंग होगा तो किसी लहर बहुत जोर शोर से होगा, इसलिए चेयरमैन के काम के वजह से हम लोग। हमारे चैनल के माध्यम से क्या संवाद देंगे अपने इलाके के लोगों को, आपके साथ यानी आप लोगों की तरफ लोग किस तरीके से सहायता पा सकते हैं, क्या लोगों को संदेश देंगे? सबसे पहले मैं तो आपके 24 घंटा के माध्यम से मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इस प्रोग्राम में आप लोग आए और लोगों को आगाह कर रहे हैं कि हम लोग किस तरीके से काम करते हैं, और भी लोग काम करें। और इस बार अगर लॉकडाउन मुकम्मल संपूर्ण लॉकडाउन हुआ तो जिस तरीके से हम लोग मिलजुल के लिट्टी चोखा का प्रोग्राम किए, उससे ज़्यादा हम लोग गरीबों को सहायता करें। यानी कि बनाया जा सकता है कि लिट्टी चोखा का कार्यक्रम करके आप लोग रणनीति तैयार कर रहे हैं लोगों की सेवा करने का? बिल्कुल, हम लोग तैयार कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी लिट्टी है,
अभी काफी दिन से मिल बने रहते हैं, कोरोना के वजह से काम काज नहीं हो रहा। हमारे जितने फ्रेंड सर्किल है हमारे लोग धन्यवाद आपका। तो आपने देखा साफ जाहिर होता है कि भाटपाड़ा में जहां आप देख पा रहे हैं तृणमूल ट्रेड यूनियन के इस कार्यालय से यहां के जो लोगों के साथ जिस तरीके से घुल मिल जाते हैं यहां के युवा नेता है रियाजुद्दीन मुन्ना, उनके और उनके साथियों का एक साफ संदेश है और एक साफ रणनीति के तहत उन्होंने आज एक बहुत बड़े कार्यक्रम को यहाँ पे आयोजित किया था, लेकिन कोरोना के तीसरे लहर के दस्तक देने की वजह से उन्हें अपने इस कार्यक्रम में परिवर्तन लाना पड़ा। लेकिन लोगों के साथ जिस तरीके से पहले थे, आने वाले दिन में भी उनके साथ अपना मदद का हाथ बढ़ाते रहेंगे, अपने साथियों के साथ कमर कस के तैयार है रियाजुद्दीन मुन्ना। कैमरा पर्सन के साथ मैं राजीव गुप्ता, आप देख रहे 24 घंटा लाइव, देखते रहिए, बने रहिए। और एक बात, कोरोना से बचने के लिए सरकार के दिए हुए हर एक विधि को हर एक नियम को जरूर मान के चलिए। अकृत इंटरप्राइज सभी प्रकार के पुराने सामानों का भंडार, इस महंगाई के बाजार में भी अगर घर दुकान या ऑफिस हो सजाना बस जगदल तक है आना। यहाँ मिलेगा अच्छे कंडीशन में पुराना सोफा, टेबल, चेयर, पंखा, अलमारी या फिर शोकेस। लॉकर बेड से लेकर प्लाई, शीशे व इलेक्ट्रॉनिक के अनेकों सामान, और हाँ ये सब मिलेगा आपको एकदम सस्ते दामों में। तो फिर बिना समय गवाए आइए और ले जाइए यहाँ से अपने जरूरतों की चीज, वो भी बिल्कुल सस्ते में। याद रहे अकृत इंटरप्राइज, घोषपाड़ा रोड, श्री कृष्ण सिनेमा के पास, जगदल।